वांट टू ईट डोनट, पर मैं मार्केट से नहीं खरीदूंगी, घर पे ही बनाऊंगी। सो उसके लिए मुझे एक बाउल चाहिए जिसमें मैं डालूंगी व्हीट फ्लावर। और अब थोड़ा सा शुगर और अब थोड़ा सा मिल्क। और अब हम लोग इसको मिक्सिंग मशीन में मिक्स करेंगे। देखिए कितना फ्लफी और नरम हो गया है। और अब हम लोग व्हीट के थोड़े से पीसेस निकाल लेंगे ताकि हम लोग उसको डोनट का शेप दे सकें। 3 पीसेस निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा बचा है उसको हम लोग बाउल में रख लेंगे। अब हम लोग इसको अच्छे से डोनट के शेप में बनाएंगे। देखिए डोनट का शेप में आ गया। अब हम लोग सारे इसी प्रोसेस से सारे डोनट्स को डोनट का शेप देंगे। देखिए सारे डोनट्स रेडी हैं। अब हम लोग इसको ओवन में बेक करेंगे ताकि ये और नरम और फ्लफी हो जाए। जल्दी से ओवन में रख लेते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। सारे बटन्स दबा देती हूँ। ये 20 मिनट्स तक बेक होगा और 60 डिग्रीज में बेक होगा। ओ लगता है बेक हो गया। अब हम लोगों के डोनट्स बेक हो चुके हैं। सो अब हम लोग इस पर आइसिंग और स्प्रिंकल्स लगाएंगे इसको डेकोरेट करने के लिए। सो फर्स्ट डोनट पे हम लोग पिंक कलर का आइसिंग लगाएंगे। और अब हम लोग इस पर कुछ स्प्रिंकल्स डालेंगे इसको और सुंदर बनाने के लिए। एकदम अच्छे से और सावधानी से डालना है वरना पूरा डोनट खराब हो जाएगा। मैंने स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं और अब हम लोगों का फर्स्ट डोनट रेडी है। अब सेकंड डोनट बनाएंगे। सेकंड डोनट पे हम लोग पर्पल कलर का आइसिंग लगाएंगे और थोड़े से स्प्रिंकल्स भी डालेंगे। स्प्रिंकल्स 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 तो मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। और अब थर्ड और लास्ट डोनट पे हम लोग ग्रीन कलर का आइसिंग लगाएंगे। थोड़े से स्प्रिंकल्स लगाएंगे। वैसे तो अभी बहुत सारे स्प्रिंकल्स बचे हैं, इसको मैं कोई और स्वीट डिश बनाने के लिए यूज़ कर लूँगी। तो थर्ड और लास्ट डोनट भी रेडी है। अब मैं सबको खा जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। यम्मी। यम यम। मेरा पूरा मुंह तो गंदा हो चुका है, इसको नैपकिन से साफ कर लेती हूँ। डन। अब मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीना है, तो वो मेरे पास है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। यम्मी। यम्मी। सो फ्रेंड्स ये वीडियो